चैनल एच ओलिवर और मैं हूँ हर्षा। आज बैकग्राउंड देख रहे होंगे बिल्कुल चेंज है मेरे चैनल का। तो आज मैं आई हूँ एक हेयर सलून जहाँ मैं हेयर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करवाने आई हूँ। तो मैं आज अल्ट्रा स्मूथनिंग कराऊंगी जिससे वो है मेरी फ्रेंड। मैं आपसे उनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। ये है मेरे फ्रेंड जय। तो आज मैं इसे हाँ तो जय पहले अपने बारे में बताओ कि क्या हूँ। बेसिकली मैं भोपाल से हूँ और मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ और मैं दो तीन सैलून है। भाई साहब बिल्कुल प्रोफेशनल है और बहुत अच्छा खासा इनका काम है और आप एफबी पे का काम देख सकते हैं। और मैं इनसे सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू ही मिली थी, मतलब कोशिश कर रही थी कि अपना हेयर का कराने की लेकिन टाइम नहीं आ पा रहा था, कोविड आ गया और फाइनली इन्होंने मुझे टाइम दिया। बहुत बिजी इंसान ही है, मतलब ऐसे ही टाइम नहीं निकालते ये, तो इन्होंने मुझे टाइम दिया है। तो आज मैं अपने हेयर की अल्ट्रा स्मूथनिंग कराऊंगी, तो मैं आपको पूरा वीडियो बताऊंगी कि कैसे ये करेंगे और फिर हम बाद में देखते हैं रिजल्ट्स क्या होंगे। तो मैं आज आपके साथ पूरा वीडियो शेयर करूंगी। चलिए तो हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वीडियो अल्ट्रा स्मूथनिंग के साथ। तो यहाँ पे जो ये लुक आप मेरा देख रहे हैं ये है मेरे बिफोर वाले हेयर्स जो इस समय हुआ करते थे। तो यहाँ मैंने अपने हेयर्स में ऑयल अप्लाई किया हुआ था। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेड वॉश के साथ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक हेड वॉश लिया था, तो यहाँ मैं अपना हेड वॉश करवा रही हूँ। और इसके बाद हमने कंडीशनर अप्लाई किया था हेड वॉश के बाद, उसको अच्छे से वॉश करने के बाद हमने अपने हेयर्स को ड्राई कर लिया। तो यहाँ मेरा ड्रायर चल रहा है आप देख सकते हैं। तो ड्रायर हो जाने के बाद इन्होंने अल्ट्रा स्मूथनिंग का कोई लॉरियल का प्रोडक्ट अप्लाई किया था। प्रोडक्ट इनके प्रोफेशनल हैं तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लीक नहीं कर सकती हूँ कि उन्होंने कौन से वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए थे, लेकिन जो भी हो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। वैसे तो जय का काम एकदम प्रोफेशनल है, मैं बहुत सारे लोगों से मिली थी जो ये बता रहे थे कि काफ़ी अच्छा काम है और मैंने रिजल्ट्स देखे। आप एफबी पे जाएं तो आप जय के रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लग रहा है मेरे हेयर्स में। तो यहाँ हमारी अल्ट्रा स्मूथनिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब मेरी अल्ट्रा स्मूथनिंग हो चुकी है, हेड वॉश हो चुका है, अब एक बार और ड्राई करेंगे। अब यहाँ देखिए आप मेरी अल्ट्रा स्मूथनिंग के ये थे रिजल्ट्स। तो आप देख सकते हैं माय गॉड स्पीचलेस, ये मेरे हेयर्स हैं कितनी शाइन आ गई है। अभी मैंने सिर्फ अल्ट्रा स्मूथनिंग कराई है और ये शाइन है मेरे बालों की। अभी और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ अल्ट्रा स्मूथनिंग में ही मेरे हेयर्स में अच्छी खासी शाइन आ चुकी है। तो यदि आप चाहते हैं अपने हेयर्स के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन कराना तो आप सिर्फ अल्ट्रा स्मूथनिंग पे भी जा सकते हैं, या आपके हेयर्स को काफ़ी स्मूथ कर देता है। स्मूथनिंग कराने के 48 आवर्स तक आपको प्रोडक्ट को हेयर्स में रखना पड़ता है। आज डे 3 है मेरे हेयर्स का। तो कल तक मैंने आपको रिजल्ट बताए थे मेरे हेयर्स के, आज मैं आपको डे 3 के रिजल्ट बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आज अपने हेयर्स को वॉश कराऊंगी और मेरे यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रे हेयर्स हैं, तो इसमें आज हम कलरिंग करेंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे करके क्लिप के थ्रू सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। तो यहाँ स्मूथनिंग के 48 आवर्स बाद मैंने अपने हेड को वॉश करवा लिया है। आफ्टर हेड वॉश मैं यहाँ ड्रायर ले रही हूँ अपने बालों में। तो यहाँ पे मेरे हेयर्स परमानेंट ऐसे स्मूथ हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हेड वॉश के बाद भी मेरे बाल काफ़ी स्मूथ हैं। तो यहाँ हेयर ड्रायर लेने के बाद हम लेंगे अपना रूट टचअप। यहाँ बस मेरे हेयर्स थोड़े से और ड्राई हो जाएं, इसके बाद हमारा रूट टचअप स्टार्ट होगा। तो ये वाला प्रोसेस मेरे रूट टचअप का है, थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ आप इन्होंने ग्लोबल कलर का यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था ये। मेरा रूट टचअप होने के बाद मेरा हेड वॉश हुआ था, आफ्टर 20 मिनट्स में ही रूट टचअप हो चुका था। इसके बाद मेरा हेड वॉश हुआ, उसके बाद अगेन मेरे हेयर्स को ड्राई किया गया और उसके बाद बहुत अच्छी शाइन आ गई थी गाइस, बहुत अच्छा कलर था, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट यूज़ किए थे जय ने। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे मेरी हाईलाइट का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो बस मेरे हेयर वॉश होने के बाद ड्राई हो चुके थे और यहाँ मेरी हाईलाइटिंग शुरू हो चुकी है। तो मैंने अपने हेयर्स को हाईलाइट करवाया था। तो ये सारी चीज़ें हाईलाइट के अंदर ही आती हैं, तो इतनी सारी हाईलाइट हुई है मेरी। तो बाकी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था लेकिन उस टाइम को मैंने अच्छे से इन्जॉय किया। काफ़ी सपोर्टिव है स्टाफ सारा के सारा, जय काफ़ी सपोर्टिव है। तो यहाँ मेरी हाईलाइट हो चुकी है डन। अब मेरे हेयर्स पे आइनिंग हो रही है, मेरे हेड वॉश हो चुके थे, इसके बाद मेरी आइनिंग चल रही है। तो मैं आपको डायरेक्ट आइनिंग दिखाऊंगी, बार बार मैंने हेड वॉश का प्रोसेस आपको नहीं दिखाया, थोड़ा बोरिंग हो रहा है। तो ये देखिए रिजल्ट, ओ माय गॉड,
ओ माय गॉड, इतना इतना अच्छा रिज़ल्ट आया. मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरे हेयर्स में इतना अच्छा, मतलब ड्रास्टिक चेंज आ गया मेरे हेयर्स में. एकदम शाइनी हो गए, अच्छी खासी हाईलाइट हो गई. तो अब बस आप मेरा लुक एंजॉय कीजिए. ये वाले कुछ पिक्चर्स मैं शेयर करती हूँ तो आपको पता चलेगा कि मेरी हाईलाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है, मेरे फेस पे अच्छी लग रही है. मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी जाएगी, बट ये बहुत अच्छी गई. तो थैंक्स टू यू सौरभ, क्योंकि मेरे हबी को ये वाला लुक करवाना था मेरा. मेरे हेयर्स के हाईलाइट होने के बाद यहाँ पे केराटिन ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ. तो इन्होंने मेरे हेयर्स में केराटिन किया था, उसके बाद मेरे हेयर्स में आयरनिंग की. तो यहाँ पे मेरी आयरनिंग हो रही है. और केराटिन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है जो आपके हेयर्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है, और आपके 3 महीने तक हेयर्स में वो बना रहता है. तो आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं. तो यहाँ पर मेरी आयरनिंग भी डन हो चुकी है. तो ये केराटिन के बाद वाले रिज़ल्ट हैं कुछ. और इसके बाद day 4 में मैंने अपना यहाँ पर अपना हेयर कट कराया था और हेड वॉश हुआ मेरा. केराटिन के एक दिन बाद आप अपना हेड वॉश करा सकते हो. तो यहाँ उसके बाद वाले रिज़ल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ और कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ. तो ये था मेरा बिफ़ोर आफ्टर का रिज़ल्ट, और ये मैंने आदि सैलून से कराया. तो आदि सैलून से ये कराया है मैंने. तो आदि सैलून ना भोपाल में है और एयरपोर्ट रोड, जो लोग भोपाल में रहते हैं ना एयरपोर्ट रोड पर है, ये उन्हें पता होगा. और जो इंदौर में रहते हैं, कई इनके क्लाइंट बाहर के भी हैं, क्योंकि इनका प्रोफेशनल काम है सिर्फ हेयर्स का. और इनके 3 सैलून हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं ये, और काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स भी देते हैं. तो ये एकदम प्रोफेशनल हैं कुछ. ये सैलून का मैं थोड़ा सा लुक दे देती हूँ आपको. यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग जाएगा. मैं कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ इनके आफ्टर बिफोर लुक के. परमानेंट हेयर एक्सटेंशन और हेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इनके सलून में होती है, तो मैं भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो ये हैं वो पर्सन. थैंक्स टू यू जय.